This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to our post-market show, PSX Hotline. I'm your host, Tarique Javed. Nazin, mashallah, aaj market positive ho gayi aur jaisa kal humne kaha tha, कल जो नेगेटिविटी थी बकौल जो एनालिस्ट आए हुए थे मेनली बिकॉज ऑफ धरना था और कल जो है ऐसा लग रहा था कि कुछ एक्शन होगा उसका खून खराबा होगा उसकी बड़ी फिक्र हो गई थी लेकिन सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड अगर रोड बंद है नुमाइश का भी बंद पड़ा हुआ है कराची में और वहाँ भी तो भले बंद रहे लेकिन खून खराबा ना हो तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि ये प्रोटेस्ट की जो नोयत है बिल्कुल डिफरेंट है इट्स नॉट नॉर्मल पोलिटिकल प्रोटेस्ट इज़ रिलीजियस प्रोटेस्ट वी शुड बी वेरी केयरफुल तो माशाल्लाह आज 231 का इजाफा है जनाब 40,000 अभी दिखाते हैं इंडेक्स में आपको डिटेल इसकी माशाल्लाह 231.9 का रिकॉर्ड कर लिया गया इजाफा 40,548 का लेवल आ गया जनाब 30 में यहाँ भी 140 का इजाफा जनाब 20,545.95 यहाँ भी 181 का इजाफा है जनाब 29,151 नंबर ऑफ कंपनी जिस पे काम हुआ उसको देखें टोटल कंपनी जिस पे काम हुआ वो 314 है एडवांसिंग 145 डिक्लाइनिंग 148 Unchanged 21. नाज़रीन वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा है मगर जो कल था उससे फिर भी 101 मिलियन का काम हुआ है स्टिल वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी लो सोशल मीडिया और जनरल नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है साइड में चले गए दे आर नॉट बाइंग दे आर नॉट सेलिंग या दे हैव सोल्ड एंड बॉट गोल्ड और या डॉलर और उसके बाद साइड पे बैठे हुए तो काम बिल्कुल नहीं हो रहा हालात जो हैं आपके सामने हैं दार साहब इज़ इन हॉस्पिटल एंड ही इंसिस्ट ऑन रिमेनिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हामिद जैद साहब हैड मेड ए ब्लंडर जिसकी वजह से इतनी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है लेकिन ही इंसिस्ट ऑन रिमेनिंग मिनिस्टर जब आप गलती करते हो तो आपको सज़ा तो मिलनी चाहिए सज़ा क्यों नहीं लेगा मिनिस्टर ही को लेना चाहिए उसके सेक्रेटरी को या उसके स्टाफ को नहीं लेना चाहिए लाल साहब मानते हैं कि गलती हुई तब जाके इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ तो ही शुड स्टेप डाउन एंड दार साहब को दोस्ताना मशवरा होगा कि आप थोड़े दिन के लिए आराम कर लें भाई बहुत काम कर लिया आपने बहुत पैसे कमाए आपने पैसे बहुत ज़्यादा आपके पास नज़र आ रहे हैं जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा तो वो केस को निपटाएं साबित करें कि जी आप बहुत बड़े अकाउंटेंट थे आपने बड़े मिलियंस एंड मिलियंस कमा के लाए हैं बाहर से जब तक आप ये नहीं करते प्लीज़ गिव अस अ ब्रेक तो ये फैक्टर्स है आज वॉल्यूम लीडर यूनिटी फूड है राइट 12.99 टीआरजी पाकिस्तान 7.25 पाक इलेक्ट्रॉन 4.98 दीवान मोटर 4.25 दोज स्टील 3.93 दोज स्टील की कल खबर आई उमेर साहब ने दी कि वो जो 123 केवी का ट्रांसमिशन लाइन है वो पहुंच चुका है उसके पास और इंशाल्लाह बहुत जल्द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी बहुत मुबारक हो तमाम लोगों को जिन्होंने दोस्त को सपोर्ट करके खड़ा किया और इंशाल्लाह ये फिर शेयर आप देखेंगे बहुत अच्छी कीमत पे आ जाएगा हमारे पास तारिक हाशमी साहब हैं कॉल पे एक लीडिंग एक्सपर्ट माने जाते हैं मार्केट के और बैंकर भी बहुत अच्छे हैं तो हाशमी साहब से व्यू लेते हैं कि आज की मार्केट में क्या हुआ तारिक साहब वेलकम टू द शो सर थैंक यू फॉर हैविंग मी सर आज कल बड़ी ज़बरदस्त नेगेटिविटी 500 प्लस माइनस थी और आज प्लस हो गई इसको किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट्स या कुछ और है आई थिंक मार्केट अभी भी यू नो थोड़ा सा आपके वॉलेटिलिटी मार्केट में जो है अभी भी मार्केट बेस तो अपना मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नीचे का आपने 40,000 या 39,000 पे जो बेस बनाया था लगता है कि वो इंटैक्ट है बट
ये थोड़ा सा खबरों आई थिंक वी आर मोर ड्रिवन बाय द न्यूज, ये जो थोड़ी सी पॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ ये इस्लामाबाद में जो धरना चल रहा था उसके ऊपर भी थोड़ा सा एप्रिहेंशन है कि उस पर कोई खौफ था कि कोई खून खराबा ना हो जाए. तो अदर देन दैट मार्केट लगता तो यही है कि यहाँ पे एक अपना एक कंसोलिडेशन का प्रोसेस है जहाँ पे मार्केट अपने आप को एक बेस बना रही है. एंड वन होप्स के आने वाले दिनों में मार्केट जो है फिर वो एक दफ़ा जब इस साल का एंड भी है कि यहाँ से होपफुली कोई एक रिकवरी का प्रोसेस फिर फाइनली स्टार्ट होगा. तारिक साहब, एक प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले साल हमारी जो ग्रोथ होगी वो 6% टच कर जाएगी, क्योंकि आज ऑलरेडी 5.28 ग्रोथ आ चुकी है और इस ग्रोथ को वो लिंक कर रहे हैं विजन ऑफ लीडरशिप पे एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. 6% ग्रोथ इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ रेट. व्हाट वुड यू से कि नहीं, एब्सोल्युटली आई इसमें कोई शक नहीं है कि जो 6% का टारगेट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी कमिंग आउट ऑफ अ वेरी लॉन्ग प्रोटेक्टेड एक पीरियड था जिसमें हम एक हमारी जो GDP की ग्रोथ थी वो एक बहुत स्टंटेड रही थी. तो आई थिंक दैट्स डेफिनेटली दैट्स अ प्लस. बट हैविंग सेड दैट, यू नो, हमारी एक आदत है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, जो चैलेंजेस हैं परहैप्स उसको हम भूल जाते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ द ग्रोथ देयर स्टिल फिस्कल साइड के ऊपर हमारे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको भी नज़र में रखना पड़ेगा. फिर दूसरा ये है कि ये अब आपका इलेक्शन, यू नो, वी आर एंट्रिंग इन टू एन इलेक्शन ईयर ऑल्सो. तो ये गवर्नमेंट होपफुली अपना पूरा टाइम करके, इलेक्शन होगा तो यू नो न्यू ये आते हैं या कोई दूसरा आता है, जो भी आता है, तो एक आपका एक थोड़ा सा वहाँ पे भी चेंज होगा. तो थोड़ा सा मार्केट विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट ऑल्सो. तो आपकी जो GDP के नंबर्स या जो ग्रोथ के नंबर्स हैं दे आर डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू. हम तारिक साहब, अगर हम अपने पीयर कंट्रीज के साथ हम देखें तो इंडिया स्टिल अहेड ऑफ अस, इवन बांग्लादेश इज डूइंग बेटर देन अस, मतलब इन टर्म्स ऑफ यू नो उनकी जो ग्रोथ के नंबर्स वगैरह आए हैं उसके हवाले से अगर आप देखें आके, तो अभी भी पोटेंशियल तो हमारे पास इससे भी ज़्यादा है. बट देखना यही है कि ये जो यू नो अभी हमारे आप मिनिस्ट्री ऑफ आज अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस का मिनिस्ट्री ऐसा है कि जहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, तो मतलब चैलेंजेस हैं, ग्रोथ के नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं. अच्छा हाशमी साहब, हम लोग बहुत पहले से ये बात कहते थे कि अगर एनर्जी शॉर्टेज ख़त्म हो जाए तो 1-2% एक्स्ट्रा ग्रोथ आ सकती है, बिकॉज एनर्जी ना होने की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज ऑप्टिमम लेवल पे नहीं चल पाती थी. तो अब एनर्जी शॉर्टेज तो वाकई तेज़ी से कम हो रही हैं, तो इसका आप इसके बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि जी डेफिनेटली आई थिंक एक एनर्जी. बट तारिक साहब, एक चीज़ का ख्याल और रखिए कि जहाँ पे आपके आप हम ये बात करते हैं कि एनर्जी की शॉर्टेज वॉज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो आपको ग्रोथ को थोड़ा सा रोकती थी, आई थिंक द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जिसके ऊपर हम प्रोड्यूस करें, दैट इज स्टिल अ चैलेंज. आई थिंक दिस हमारा जो एक एनर्जी का मिक्स है जो हम बनाते हैं वो अभी भी इतना एफिशिएंट नहीं है कंपेयर्ड टू यू नो सम ऑफ द अदर कंट्रीज दैट वी ऑफन हैव अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट. तो आई थिंक दैट स्टिल अ चैलेंज दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट. आई थिंक व्हाट वी हैव डन इज कि आप यू नो आप कि जहाँ पे आपने एनर्जी का शॉर्टफॉल या होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर हम किसी हद तक काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ जिस पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जिसके ऊपर कंज्यूमर ये इसको यूज़ कर रहा है वो अभी भी एक चैलेंज है कि आपको जो सस्ती बिजली का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कॉर्पोरेट सेक्टर की या इवन आप जो उसकी है वो जो इनपुट है उसकी कॉस्ट जो है इट मैटर्स अलॉट ऑल्सो. तो मैंने आपसे वही अर्ज किया कि आप आइसोलेशन में हम यू नो वी हैव अ हैबिट कि हमने अगर कोई एक चीज़ को अचीव कर लिया तो हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं. अगर आप टोटैलिटी में देखें तो अभी भी काफ़ी चैलेंजेस हैं एंड डेफिनेटली यस कि पोटेंशियल जो है अपना हमको इससे बेहतर करने का वो उससे कहीं ज़्यादा है. आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट 6 का फिगर मैंने प्रोजेक्टेड जो GDP है वो पाकिस्तान का 4.7 का टारगेटेड था. बांग्लादेश ने इस 2017 में 7.1 का के हवाले से GDP ग्रोथ
को किया उन्होंने आके, तो अगेन आई थिंक पोटेंशियल तो बहुत है आगे जाने का, चीज़ों को अगर हम ठीक कर लें तो देर इज़ नो रीज़न कि आई थिंक के काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी जगह है, स्पेस है इसमें कामों की चीज़ों को ठीक करने का। तारिक साहब, आजकल एक बड़ा इशू मुल्क में चला है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फंडस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स को कम करो, बंद करो और उनको कन्वर्ट करो इनटू एलएनजी, जिसके वजह से अटक पेट्रोलियम वाले ने तो धमकी दे दी है, शायद बंद भी कर दिया है अपना प्लांट, कहते हैं विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मिंग ये चीज़ की गई। और इसी दौरान जो है पीएसओ ने भी कोई 12 मिलियन टन फर्टिस ऑयल इम्पोर्ट कर लिया, ग्लट क्रिएट हो गया। तो ये जो कन्वर्जन हो रही है फ्राम फर्टिस टू एलएनजी, विल इट लीड टू लोअर प्राइसेस? तारिक साहब देखिए, अगेन आई थिंक कि आपने खुद ही एक बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की कि व्हेन यू टेक सडन डिसीजंस, एंड आई थिंक कि आप रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हमने एक कॉन्स्टेंट हमने एक डिक्लाइन देखा कि सम ऑफ द लीडिंग जो आपकी रिफाइनरीज के स्टॉक्स हैं उनको हमने आई थिंक 3-4 उसमें सर्किट नीचे लोअर सर्किट को हमने लगते हुए देखा वंस दिस न्यूज ब्रोक की। दो कल ATRL भी गिर गई और NRL भी गिर गया साथ। जी जी, सारी जितनी रिफाइनरीज थी उन्होंने अपने टच देर, अगर आप खाली अब NRL की बात करें तो आज NRL 517 रुपए का लो दिखा के आज 540 पे बंद हुआ, बट यू नो देर वॉज अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर दैट वी विटनेस इन दी रिफाइनरी सेक्टर। एंड आई थिंक के जो रिफाइनरी वाले हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं कि इस किस्म की जो पॉलिसी डिसीजंस होती हैं उनको कोऑर्डिनेशन लिया साहब कॉन्फिडेंस में लेके जाना को पता ही नहीं कि ये डिसीजन लिया जा रहा है वो इंपोर्ट कर रहा है, इट्स डेट्रिमेंटल टू द बिजनेस। देखिए कैसी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि पीएसओ को नहीं पता कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये सोच रहे और कंटेनमेंट आ रही है, उसने 12 मिलियन टन इंपोर्ट कर लिया। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए कि आई थिंक दिस अनलेस अगेन आई थिंक इट आप जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डब अपना 6% की GDP ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, उसी 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 दौरान में हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि इस तरह की एडहॉक पॉलिसीज हैं कि वे दी कंपनी लाइक PSO डजंट नो कि क्या पॉलिसी की ऑगरा की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑल साइड की क्या आने वाली है, या रिफाइनरीज को उसमें में नहीं लिया गया। तो आई थिंक देर अपीयर्स टू बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और आपस में विद इन द डिपार्टमेंट विद इन द जो आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंदर आके, एंड ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। सर, एक और खबर जो आज की पॉजिटिव है वो ये कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेकेंड LNG टर्मिनल का इफ्तिताह किया, और उसी के साथ खबर ये भी है कि ये जो स्विस कंपनी है ट्राफिगुरा जो फंड मैनेजर है बेसिकली, वो कहते हैं कि जी वो उसी प्लांट उसी जगह पे वो अपना भी एक सेकंड फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीक्लासिफिकेशन यूनिट लगाना चाह रहे हैं। तो ये स्विस कंपनी का इंटरेस्ट लेना एंड विद इन द सेम सेकंड टर्मिनल अपना बर्थ बनाना, ये तो खुशाइन बात है सर। देखिए आई एब्सोल्युटली आई नॉट दिस इज वन इंसिडेंट, देर आर अदर इंसिडेंसेस आल्सो इन द ऑटो सेक्टर एंड द अदर सेक्टर आल्सो, देयर इज रेनॉल्ट इज कमिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनीज हु वांट टू कम एंड हु वांट टू बेनिफिट फ्रॉम द यू नो जो एडवांटेजेस पाकिस्तान ऑफर करता है स्पेशली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑल्सो, एंड विद द CPAC ओपनिंग अप देर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर ओपनिंग अप ऑल्सो ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑन द सर्विसेज साइड ऑल्सो, एंड वी विल सी। अब वही था कि एक कंड्यूसिव ग्राउंड हालात आप अगर आप पैदा कर दें तो आई थिंक ये जो 6% जो है ये भी कम है जो अच्छा। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो आई थिंक द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज सब्सटेंशियल। ये रेनॉल्ट के 2 साल से सुनते रहे लेकिन अब फाइनली ऐसा लगा कि वो हो रहा है, अल्फोटैम ग्रुप को उन्होंने पार्टनर किया है, अल्फोटैम फ्रॉम दुबई। जी जी, वी डोंट नो हु विल बी द पार्टनर इन पाकिस्तान येट, गंदारा होगा या कोई और होगा। बहरहाल ये बहुत बड़ी कंपनी और इसकी गाड़ियाँ बहुत ही कामयाब है इंडिया में, 4-व्हीलर्स वगैरह, और बहुत अच्छी कीमत पर भी वो देते हैं, तो ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। लॉट देखिए ऑटो सेक्टर में भी मैंने आपसे अर्ज किया कि जिस तरह आई थिंक पोटेंशियल इन मोस्ट सेक्टर्स के अंदर आके यू नो विद इन द गैस, आप LNG की बात कर रहे हैं, हम गैस की हम बात कर रहे हैं, थोड़े दिनों पहले ये जो आप एक नया LNG का टर्मिनल भी लॉन्च हुआ, तो मीनिंग पोटेंशियल तो बहुत है आने वाले दिनों के अंदर आके।
थोड़ा सा अगर हम अपने हम अपना फिस्कल डिसिप्लिन को या अपनी जो पॉलिसी के डिसिप्लिन है उसको बेहतर कर लें तो आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू पाकिस्तान एज अ ग्रोथ स्टोरी. आई थिंक ये आपके बाहर के फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट्स भी जो आती हैं दे हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन पाकिस्तान. हम अपने थोड़े से जो इंटरनल चैलेंज हैं अगर हम उनको काबू में कर लें तो कोई वजह नहीं है कि जो हम एक सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं कि इस रीजन के अंदर एज एन इमर्जिंग हम एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन के निकलेंगे उसको अचीव नहीं किया जा सकता. सर एक और आज रिपोर्ट है आपसे उस पर राय लूँगा कि ये जो पावर सेक्टर है वहाँ पे सर्कुलर डेट की सिचुएशन बहुत ही सीरियस होती जा रही है. 750 बिलियन का सर्कुलर डेट हो गया है जिसमें 421 तो गवर्नमेंट के खाते में आता है खाते में आ रहा है और बाकी 327 जो है वो आपस की जो पावर होल्डिंग कंपनीज है उनमें चल रहा है. तो इससे वेरी हाई नंबर और ये अगेन आई थिंक तारिक साहब यू नो वी कीप पॉइंटिंग टू अब आप ये कहिए कि अगर आपको याद हो जब ये हुकूमत आई थी तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो उन्होंने अंडरटेक किया था वो सर्कुलर डेट जो एक लार्ज अमाउंट का नंबर था उसको गवर्नमेंट ने थ्रू स्पेशल ऑर्डर उन्होंने आपको याद होगा कि पे किया था. एंड आई थिंक हैविंग डन दैट उसके बाद कोई एक यू नो जरूरत परहैप्स इस बात की थी कि इस चीज़ इस यू नो ये जो एक बर्डन अपने ऊपर डाल लेते हैं कि इसको कि कोई पॉलिसी बनाई जाती कि आगे ये हम काम नहीं करते. बट हमने देखा ये कि आपने वन टाइम एक आपने सेक्टर्स को रिलीज़ किया बिकॉज यू नो दी आईपीपीज वर थ्रेटनिंग टू गो टू कोर्ट अगेन. और हम ये बार बार देखते हैं कि जो आईपीपीज हैं वो आर्बिट्रेशन की बात करती हैं कोर्ट में जाने की बात करती हैं तो थोड़ा सा उनका बर्डन कम कर दिया जाता है. आई थिंक ये 3-4 साल भी गुजरने के बाद हमने इसके ऊपर कॉग्निजेंट किया हमने कोई कंप्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाई कि हम इसको किस तरह इसको हम काबू में रखें आके कोई एक सर्टन फिगर के ऊपर आके रखें. तो दिस इज यू नो अनफॉर्चुनेटली दीज आर दी अनफॉर्चुनेट मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम यू नो वी कंटिन्यू कि देर इज फॉरन इंटरेस्ट इन यू नो फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. ये आपका एलएनजी का प्रोजेक्ट भी जो टर्मिनल जो लॉन्च हुआ इसमें 4 डिफरेंट मुल्कों ने अपने उसके इनकी कोलेबोरेशन थी विच इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप के बाहर के लोगों का इंटरेस्ट बहुत है यहाँ पे काम करने का. बट इट इज़ दीज चैलेंजेस जो हमने अपने आप के लिए खड़ा करते हैं वो थोड़ा सा उनको सोचने पर मजबूर करते हैं. फिर बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके नहायत ही यूज़फुल कंट्रीब्यूशन का. नाज़रीन इसी के साथ इस सेगमेंट से इजाज़त चाहता हूँ.